गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, हम लोग सिंटैक्स में अध्ययन कर रहे थे आर्टिकल का, जिसमें हम लोग अध्ययन ये कर रहे थे कि कहाँ पर आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता, जो कि इनडिफरेंट आर्टिकल हैं। उसमें तीन चार रूल हम लोग पढ़ चुके थे कि कहाँ पर नहीं होता। बस दो या तीन नियम होंगे बेटा जहां पर इंडिपेंडेंट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। रूल फिफ्थ में देखिएगा बेटा, जैसे है पेपर। पेपर आपका क्या कहते हैं, नाउन है, जिसका अर्थ होता है कागज। ध्यान देते रहिएगा, पेपर आपका नाउन है और जिसका अर्थ होता है कागज। फिर आप लीजिए वाइन, वाइन का अर्थ होता है शराब, ठीक ना। फिर आप ले लीजिए ग्लास, ग्लास का अर्थ होता है बेटा शीशा, ठीक है। फिर आप ले लीजिए क्लॉथ, क्लॉथ का अर्थ होता है कपड़ा। आपके पास पेपर, वाइन, ग्लास, कपड़ा, आयरन, आयरन मीन्स लोहा, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे बेटा, आता इनसे पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक बेटा ना, जैसे दिस इज ए पेपर, दिस इज ए पेपर। बेटा पेपर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहां पर ए का प्रयोग नहीं होगा। इसका करेक्ट फॉर्म होगा दिस इज ए पेपर, ठीक ना। इसी प्रकार से आई वांट ए वाइन, यहां पर बेटा वाइन की बात किया जाए तो वाइन से पूर्व आर्टिकल ए और एन नहीं लगेगा। करेक्ट फॉर्म होगा आई वांट वाइन, हो गया। आई हैव ए ग्लास, देखो बेटा आई हैव ए ग्लास, क्लियर हो रहा है। तो अब ग्लास से पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। करेक्ट फॉर्म होगा आई हैव ग्लास, हमारे पास शीशा है, ठीक ना। ए क्लॉथ इज यूजफुल फॉर अस, कपड़ा हमारे लिए उपयोगी होता है। लेकिन बेटा ये कह रहे हैं क्लॉथ से पहले हम ए नहीं लेंगे, नहीं तो बिगड़ जाएंगे। तो आप क्लॉथ करिए, क्लॉथ इज यूजफुल फॉर अस। अगला है एन आयरन इज यूजफुल, एन आयरन इज यूजफुल। बेटा कह रहे हैं कि आयरन कह रहा है कि हमें ए एन नहीं चाहिए, नहीं मैं गलत हो जाऊंगा, ए एन हटाइए और सही करिए, आयरन इज यूजफुल, आयरन इज यूजफुल। आप लोग नोट कर लीजिए, हो गया बेटा। चलिए आगे लिखिए, किंतु जब
जब पेपर का अर्थ अखबार, ठीक है ना, ग्लास का अर्थ गिलास, क्लॉथ का अर्थ किसी काम में आने वाला, किसी काम में आने वाला विशेष कपड़ा, आयरन का अर्थ स्त्री, जैसे हम लोग प्रेस हो तो इनसे पूर्व ए एन का प्रयोग होगा, ए एन का प्रयोग होगा। अब देखो भैया, अगर पेपर का अर्थ क्या हो, अखबार हो, यहां पर मिटा देते हैं। अच्छा बेटा, यदि पेपर का अर्थ अखबार हो, ग्लास का अर्थ ग्लास हो, और क्या कहते हैं, क्लॉथ का अर्थ कोई विशेष कपड़ा हो, और बेटा क्या कहते हैं, आयरन का अर्थ स्त्री हो, तो ए एन का प्रयोग होता है। जैसे दिस इज ए गुड पेपर, यह एक अच्छा अखबार है बेटा, यह एक अच्छा अखबार है, गुड पेपर, पेपर मीन्स अखबार, यहां पर बेटा इसका अर्थ अखबार से है। बात समझ में आई? आगे आई यूज एन इलेक्ट्रिक आयरन, मैं एक विद्युत का आयरन उपयोग करता हूं, मैं एक विद्युत का आयरन, यहां पर आयरन का मतलब हो गया किससे बेटा, स्त्री से। आगे और देखेगा, सी हैज ए डिस क्लॉथ, बेटा डिस क्लॉथ, डिस क्लॉथ, डिस माने कपड़ा ढकने का, क्लॉथ माने भोजन। अब तो टिफिन चल गई, पहले जब माताएं हमारी क्या कहते हैं कहीं बाहर खाना लेके जाती थी तो थाली में खाना लेकर के उसके ऊपर एक कपड़ा डाल लेती थी, समझ रहे हो, और उस कपड़े से भोजन जो है वो सुरक्षित रहता था। तो यहां पर बताया गया सी हैज ए डिस क्लॉथ, उसके पास एक ऐसा कपड़ा है जिसे वह उपयोग करती है भोजन को ढांकने में। बात समझ में आई बेटा? तो यहां पर एक प्रयोग हो रहा है, ए डिस क्लॉथ, क्लियर। आइए आगे देखते हैं, हो गया पेपर का अर्थ ग्लास हो गया क्लॉथ, और बेटा ग्लास, आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर, आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक ग्लास जल चाहता हूं। तो बेटा यहां पर ध्यान ये देना है, जब पेपर का अर्थ कागज हो तो ए एन नहीं लगेगा, लेकिन पेपर का अर्थ जब अखबार हो तो ए एन लगेगा, ग्लास का अर्थ जब शीशा हो तो ए एन नहीं लगेगा, ग्लास का अर्थ जब ग्लास हो तो ए एन लगेगा, क्लॉथ का अर्थ जब साधारण कपड़ा हो तो नहीं लगेगा, किसी विशेष कपड़े के साथ लगेगा, आयरन का अर्थ जब लोहा हो तो ए एन नहीं लगेगा, और जब आयरन का अर्थ हो बेटा स्त्री तो ए एन लगेगा। चलिए एक और नियम हम लोग देख लेते हैं इसी के साथ साथ, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं, बेटा लिखिएगा, फियर, फियर माने भय,
ठीक ना, ब्यूटी, ब्यूटी माने सौंदर्य, होप माने उम्मीद, डेथ माने मृत्यु, हैप्पीनेस माने प्रसन्नता, ठीक ना। अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, अतः इनसे पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं होगा, अतः इनसे पूर्व नो ए एन, बेटा इनसे पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे बेटा ही लिव्स विथ ए फियर, ही लिव्स विथ ए फियर, बेटा ये फियर कह रहा है कि हमको ए नहीं चाहिए, इसलिए करेक्ट फॉर्म होगा ही लिव्स विथ फियर, बेटा वो भय में जीता है। कैसे जीता है? भय में जीता है, भयभीत होकर के जीता है। आई लाइक ए ब्यूटी, मैं सौंदर्य को पसंद करता हूं। यहां पर बेटा ब्यूटी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। आप सही करेंगे आई लाइक ब्यूटी, आई लाइक ब्यूटी, मुझे सौंदर्य पसंद है, मैं सौंदर्य को पसंद करता हूं। बेटा होप ही हैज ए होप टू पास, उसे पास होने की एक उम्मीद है, लेकिन होप कहता है कि मैं अनकाउंटेबल हूं, मुझे ए नहीं चाहिए, इसलिए ही हैज होप ऑफ, होप टू पास, उसे पास होने की उम्मीद है। हाँ बेटा, ए डेथ कम्स टू आल, बेटा मृत्यु सभी को आती है, किसी को बख्शती नहीं है, इसलिए आज हम लोग मृत्यु को नहीं बख्शेंगे कि तुमने ए को क्यों लिया है, क्योंकि तुम्हें ये नहीं चाहिए। तो सही कर दीजिए बेटा, डेथ कम्स टू आल। नेक्स्ट वन होगा ए हैप्पीनेस इज गुड थिंग्स, प्रसन्नता अच्छी बात है, लेकिन हैप्पीनेस के साथ ए रहना अच्छी बात नहीं है। प्रसन्नता तो अच्छी बात है, लेकिन हैप्पीनेस के साथ ए रहना अच्छी बात नहीं है, इसलिए एक को हटा दो। हैप्पीनेस इज गुड थिंग, प्रसन्नता एक अच्छी बात है, ठीक ना बेटा। तो बेटा हम लोग वहां पर पहुंच गए जहां पर ए और एन का प्रयोग कहां पर नहीं होता है, समाप्त होता है। कल हम लोग अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि डिफरेंट आर्टिकल दा का प्रयोग कहां पर होता है। तब तक के लिए आप हमें आदेश दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नए बच्चे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।